हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? खुश होंगे। जैसा कि एक मुद्दा भी चर्चा में चल रहा, नया लेबर लॉ आ चुका, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही चुका हो चुके होंगे इस वीडियो को, कि सर ने ये वीडियो किस आधार पर बनाया, किससे संबंधित बनाया। उसके पहले मेरा एक सजेशन, आभार है। आपका भाग्य वही है जिसे आप अपने परिश्रम से गढ़ते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब ये होता कि जब आप परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के माध्यम से आपका जो रिजल्ट, बेनिफिट निकलता है, वही आपका भाग्य आखिरकार में होता है, ना कि कोई भाग्य बना जाता है। इन्हीं बातों के साथ में हम आगे अपनी चर्चा कंटिन्यू करके चलते हैं। ये साथियों अपना चैनल है, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसमें नई नई अपडेट, जैसे कि अब वर्तमान समय में नए कानून, श्रम कानून में किस प्रकार से क्या संशोधन हुए हैं, उन संशोधन को मैं जल्द से जल्द इस चैनल पर, कानूनी संबंधित जो भी संशोधन होते रहते हैं उनमें, वो इस चैनल पर अपलोड हो जाते हैं, ताकि आपको समय पर देख सकते हैं। इसलिए आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आने वाले क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ये अपना चैनल है कॉमन लॉ, इसी में देखते हैं। जब नया भारत चलता है, आज़ादी का 75वां वर्ष, अमृत महोत्सव, तो इसमें श्रमिकों के लिए स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार एक कानून लेकर आया है। अभी इस कानून की एक तारीख निश्चित नहीं की गई कि किस तारीख तक इनको बनाया जाएगा या फिर संसद में लागू किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा, डिबेट चलती रहती है। इन्हीं चर्चा के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि इस कानून का कुछ बेसिक परिचय लाया गया, क्यों लाया गया, किस प्रकार से। तो भारत के अंदर कई सारे सशक्त, कुशल, आत्मनिर्भर की सोच रखने वाले ऐसे श्रमिक हैं जो अपना भविष्य सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। आज़ादी के 73 साल बाद भी 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। किस क्षेत्र में? असंगठित क्षेत्र में काम करने की वजह से सरकार ने इस क्षेत्र को देखा, जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त नहीं है। अगर वो असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उन्हें समाज की तरफ से सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार से प्राप्त नहीं थी। ना होने की वजह से देश के श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित और असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से ज़्यादा, पहली बार किसी सरकार ने इन संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों की सुध ली। इन्हें सरकार ने जानना चाहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर, श्रमिक दोनों में लगभग 50 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। जब ये काम करते, तो इनका डाटा प्रोवाइड सरकार ने, श्रम विभाग ने प्रोवाइड किया, जानकारी ली इस मामले में। पहले श्रमिक वर्ग जो कई कानून के जाल में उलझे हुए थे, यानी कि उनको कानून का जाल में उलझा दिया गया था या उलझे हुए थे, उन्हें सही मायने में आज़ादी दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए। यानी कि ये बयान केंद्र सरकार का बोलता है कि जब वो कई कानूनी जाल में उलझे हुए थे, तो अब आज़ादी के अनुसार उनको सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने और सही मायने में लाने के लिए कई सारे कदम उठाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को सिर्फ 4 कोड में
समाहित कर सरल करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। यानी कि इससे पहले होता यह था कि भारत के अंदर कई प्रकार के श्रम कानून हुआ करता था। उन कानून की वजह से श्रमिक अनेक जाल में फंसे हुए रहते हैं। तो इनमें केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को सिर्फ 4 कोड यानी कानून अधिनियम, जो कि कोड का मतलब ये होता है साथियों कि कई सारे अधिनियम होते हैं, उनमें कई सारे दंड का प्रावधान होता है। इन इन अनेक अधिनियम जब श्रम विभाग श्रम कानून पर बना हुआ था तो उनको एक सूत्र में पिरो दिया गया है। दंड का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, उनकी सुरक्षा का प्रावधान, ये सभी प्रावधान एक ही कोड में लागू कर दिया, इसलिए कोड शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे श्रमिकों को कई सारी सहूलियत मिलने की सौगात है। अब हम देखते हैं 18 साल से सिर्फ ये मामला चर्चा में था, अब कल इनका फैसला आने के बाद में हुआ क्या है? संगठित असंगठित क्षेत्र को मिलाकर देश में लगभग 50 करोड़ श्रमिक वर्ग है। इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि लगभग 90% है वह असंगठित क्षेत्र में है। इन्हें असंगठित क्षेत्र में उनको काम करना पड़ रहा है लगभग 90% को। दोनों को मिलाकर तो लगभग 50 करोड़ श्रमिक हो रहे, परंतु इनमें से सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा वर्ग लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में है। इन 4 श्रम संहिताओं यानी कोड्स के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ मिलेगा। यानी कि कई सारे कानून को एक सूत्र में पिरो दिया गया है, उसके माध्यम से श्रमिकों को बोला गया है कि इससे कई सारे लाभ प्रोवाइड किए जाएंगे। जब संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और संगठित क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। यानी कि इनका दोनों तरफ से विकास होने लगेगा, कानून की तरफ से भी इनको इतनी छूट प्रोवाइड हो जाएगी और सामाजिक क्षेत्र से भी इनको इनकी छूट प्रोवाइड हो जाएगी, तो इनका दोनों तरफ से विकास होने लगेगा। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, यानी कि जब दूसरी रिपोर्ट पेश की गई थी 2002 में, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि भारत में विभिन्न श्रम कानून हैं और यहाँ इस बात का जिक्र किया गया था कि संघीय क्षेत्र में विभिन्न कानूनों को समावेश करके 4 या 5 कोड्स में बदल दिया जाए। इस पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन 2004 से 2014 तक इस पर कोई खास पहल नहीं हुई है। श्रम कानून 1991 के आर्थिक सुधारों के दौर में भी सुधार से वंचित रह गए। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब 2004 से लेकर 2014 तक इन पर इतना कोई असर नहीं किया गया, जब 2002 में रिपोर्ट पेश की गई थी, लगभग एक कानून था पुराना तो नहीं था, लगभग ज़्यादा 1991 का, उनमें आर्थिक सुधार के दौर में कुछ वंचित रह गए थे सुधार। फिर इनमें आगे इनका कहना हुआ, इन कोड्स को लेकर तब मंथन तेज हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी की क्रांतिकारी मजबूत फैसले की इच्छा लेने और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ संघीय ढांचे में आम सहमति से GST यानी वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था साकार हो गई। इसी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया को गति मिली। जब केंद्र के अंदर NDA की सरकार आई, जब उनने एक उनका बयान निकाला, नारा निकाला, सबका साथ सबका विकास सबका भला, इसी के साथ में इनको भी देखा गया कि भाई श्रमिक की स्थिति अब भारत में क्या है। उन मामले को देखते हुए फिर उन्होंने
कई सारे कानूनों को एक सूत्र में यानी कि चार या पांच कोर्ट्स में पिरोने का कार्य करना शुरू कर दिया। इस पर अगर देखा जाए तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम कानूनों में सुधार से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया था। जब इनमें सुधार हो रहा था उससे पहले भी विचार विमर्श तो हो रहा था। पहले मंत्रालय ने चारों प्रारूप संहिताओं को सरकार की पूर्व विदाई नीति के तहत वेबसाइट पर अपलोड किया ताकि सभी हितधारक और आम जनता अपने विचार दे सके। यानी कि आम जनता का इस कानूनों को एक सूत्र में पिरोए रखने या बांधने के उद्देश्य से उनने एक वेबसाइट पर इस एक्ट को अपलोड किया ताकि आम जनता का क्या मत है। मंत्रालय ने वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में 9 त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जिसमें सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन नियोक्ताओं के संगठन यानी कई प्रकार के केंद्र के श्रम संगठन राज्य के श्रम संगठन कई सारे नियोक्ताओं के संगठन और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व श्रम सुधारों अपने सुझाव आमंत्रित किए। इन सुझाव को देखते हुए चारों विधेयकों की संसदीय स्थायी समिति ने जांच की और अपनी सिफारिश सरकार को दे दी। जब इन पर पूरा फैसला हो चुका उस माध्यम से सरकार ने अपनी सिफारिश सरकार को केंद्र सरकार को दे दी गई। नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारी को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्रदान करना जरूरी होगा। जब ये लेबर कोड एक सूत्र में पिरो ये जाने की बात की जा रही थी तो उस स्थान पे जब कार्य क्षेत्र में महिला की हिंसा या यौन संबंधित कई प्रकार की उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती थी तो इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया था कि नियोक्ता और महिला जब कर्मचारी कार्यस्थल पर रहेगा उनमें भी उनकी सुरक्षा प्रदान मुहैया कराई जाएगी। आगे देखते हैं कि उन्होंने एक नारा और दिया था सरकार ने केंद्र सरकार का कि सत्यमेव जयते से श्रममेव जयते भी अच्छा है क्योंकि जिस प्रकार से सत्य होता है उसी प्रकार से श्रममेव जयते भी होना चाहिए। देखते हैं इन पर सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा। श्रमिकों को लेकर मौजूदा सरकार की दूरगामी सोच अक्टूबर 2014 से ही स्पष्ट हो चुकी थी। यानी कि श्रमिक के मामले में सरकार ने अपना फैसला अंतिम रूप देने यानी कि उनको भविष्य निधि की तरह मानने के लिए पहले से ही स्पष्ट कर चुका था उद्देश्यपूर्ण। जब सरकार आने के बाद इन्होंने श्रममेव जयते योजना की शुरुआत कर दी थी। श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2014 को जब श्रममेव जयते की शुरुआत की थी तब श्रमिकों को राष्ट्र निर्माताओं की संज्ञा देते हुए यानी कि इनका कहने का तात्पर्य था कि जब हमारे देश के अंदर श्रमिक है तो वह भी एक राष्ट्र के निर्माता है क्योंकि वही राष्ट्र की नींव रखते हैं। श्रम के बिना राष्ट्र की नींव कदापि विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रममेव जयते की भी है। ये केंद्र सरकार का कहना था तो ये नारा पे भी इन्होंने जोर दिया। श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया ताकि उनकी भविष्य निधि की राशि कहीं भी सुरक्षित तरीके से निकाल सके। इन्हें सरकार ने ये भी दावा किया पोर्टेबिलिटी ताकि वो किसी भी स्थान पे सुरक्षित रूप से अपना पैसा निकाल सके। जो भी मतलब सरकार की तरफ से भविष्य निधि का पैसा जमा होएगा वो भारत के अंदर चाहे गांव में रह रहे तो गांव में निकाल सके शहर में रह रहे तो शहर में निकाल सके।
इसके अलावा इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाते हुए निरीक्षक की भूमिका को श्रमिकों को सलाह और मार्गदर्शन देने वाली भी बनाई गई। इसके अलावा सरकार का मानना ये भी है श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिए उद्योगों को भी सहज रिटर्न की व्यवस्था दी गई। उस वक्त ही सरकार ने साफ कर दिया कि नज़रिया अगर सम्मानजनक हो तो श्रमिक संघ योगी राष्ट्र निर्माता बन जाते हैं। यानी कि सरकार ने कुछ उद्योगपति को इस प्रकार की बात भी कही, क्योंकि देश के श्रमिक संगठन अपने या फिर तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तभी स्पष्ट किया कि जब श्रमिकों की नज़र से श्रम के मुद्दे को देखना चाहिए। इन कानूनों या इनमें निरंतर सुधारों के साथ श्रमिकों के हितों की फिक्र करते हुए मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बुजुर्ग होने पर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की पहल की है। यदि हम और आप इस बात को भी मान सकते हैं कि जैसे मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊँगा तब मैं उस समय कमा नहीं पाऊँगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो इन श्रम संगठन और श्रम कानून ने मामलों से सुरक्षा की पहल भी की गई सामाजिक रूप से, ताकि इनको पेंशन मिलती रहे। इसके तहत पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी शुरू की गई। इसमें 60 साल की उम्र में पहुंचने पर बतौर पेंशन 3000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया। यदि श्रमिक इस योजना में अपना अकाउंट खुलवा सकता है तो उनको प्रति माह 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता रहेगा। ये प्रावधान प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत की गई थी। केंद्र सरकार ये भी पता लगाना चाहती थी कि श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून की सही स्थिति क्या है, उसका सही मायने में लाभ हो रहा है या नहीं, या फिर कोई ऐसा कानून है जो श्रमिकों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यानी कि केंद्र सरकार इस पर गहनता से विचार कर रही थी कि कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि उन कानून की वजह से वह श्रमिकों को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर रोकता है तो उस कानून पर विचार करके और कई श्रम संगठनों को एकजुट करवा करके उन पर संशोधन किया जाए। वर्ष 2014 से फिर से किए गए श्रम सुधार, लगभग श्रम कानूनों में जिस प्रकार से सुधार हुए उनमें पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आईटी समर्थित प्रणाली और निरीक्षणों के लिए अनिवार्य रूप से प्राधिकृत करना। इन्हें कई ऑनलाइन आईटी संबंधित प्रणालियां चलती है उनको भी अनिवार्य इस श्रम कानून संगठन के माध्यम से कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि 29/3/2018 से उपदान के भुगतान की राशि 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि ये राशि पहले 10 लाख हुआ करती थी 29/3/2018 का पहले, उसके बाद में इस राशि में बढ़ोतरी करके 20 लाख रुपये कर दी गई। मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत संशोधित मजदूरी का भुगतान दिनांक 16/2/2017 से चेक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। यानी कि लगभग जहां तक हम देखते हैं पहले उनको हाथ उधारा पेमेंट दिया जाता था, परंतु वह व्यवस्था बंद करके उनको या तो चेक के माध्यम से यह उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। ये व्यवस्था ये संशोधन किया गया है 16/2/2017 मजदूरी संदाय अधिनियम में।
एक और अधिनियम आता है 2017 वाला, प्रसूति लाभ संशोधन अधिनियम 2017, जिसमें 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ वे सवेत वेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इन्हें प्रसूति लाभ जब माता बहनें इनमें काम करती थी तो उनके लिए जब वह गर्भावस्था में रहती थी तब उनको अवकाश 12 सप्ताह का दिया जाता था, उन सप्ताह को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ये 2017 वाले कानून में संशोधन किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, 4 कोड और कानूनों के जाल से मुक्ति। इन्हें पहले कई ज़्यादा कानून हुआ करते थे, उन कोड से ओनली 4 कोड और कानूनों से मुक्ति के जाल के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। श्रम कानूनों में कई प्रावधान अंग्रेजों के शासनकाल के थे, बदलते वक्त के साथ बिना बदलाव के। इनमें से कई निष्क्रिय हो चुके हैं या वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं रहे। इससे श्रमिकों के हितों की रक्षा के बजाय उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये रहा है कि जब कई पुराने श्रम कानून जब श्रमिकों पर एप्लीकेबल थे तो वह ब्रिटिश कालीन के बने हुए थे, अंग्रेजों के शासनकाल के, वह श्रमिकों पर भारी पड़ रहा था तो वो परेशानी का सामना कर रहा था। कानून का जाल ऐसा था कि एक ही काम के लिए श्रमिकों को 4-4 फार्म भरने पड़ते थे। काम एक करना, फार्म 4 भरना, बीमारियां अनेक प्रकार की होती थी। कहने का तात्पर्य यह है ऐसे बेकार कानून को मौजूद सरकार ने रद्द किया और 29 कानूनों को 4 कोड में समाहित किया। अब 4 कोड में ही सबका फायदा होगा। इसी मामले में हम आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के कानूनी अधिकार के लिए वेज कोड में 4, सामाजिक सुरक्षा कोड में 9, OHS कोड में 13 और IR कोड में 3 कानूनों को शामिल किया गया। इनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है क्योंकि मुख्य बिंदु हमारा यही है कि 4 कोड में, इन 4 कोड से सभी का फायदा होगा। इसमें वेज कोड 4, सामाजिक सुरक्षा कोड में 9, यानी इनमें 9 प्रकार की सुविधा दी गई है। OHS कोड में 13 प्रकार की सुविधा दी गई है। IR कोड में 3 कानूनों को समाहित किया गया है। यानी ये इतने प्रकार के कानून थे, इन कानूनों को इन 4 भागों में डिवाइड कर चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद से विधेयक पारित कराकर श्रमिकों के जीवन स्तर में आमूलचूल बदलाव लाने की दिशा में काम अग्रसर करना शुरू कर दिया है। अब जब काम अग्रसर शुरू होने लग जाएगा तब श्रमिकों का चहुमुखी चारों तरफ से विकास होने लगेगा और उनका दूरगामी स्तर भी मजबूत होने लगेगा और राष्ट्र का विकास दर भी मजबूती से दिखने लगेगा। इन श्रम सुधारों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की गति और बढ़ेगी, रोजगार सृजन और श्रमिकों की कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। इन 4 कोड का लाभ संगठित और असंगठित क्षेत्र यानी दोनों तरह के श्रमिकों को मिलेगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि PFI, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी बीमा के तहत सभी तरह की मेडिकल सुविधा के दायरे में सभी श्रमिकों को आएंगे। यानी कि पहले जब इस प्रकार के कानून थे, हो सकता है कि वो इन योजनाओं से बाहर थे, पर इनमें कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि, इस प्रकार की योजना का जब इनको लाभ मिलेगा और मेडिकल सुविधा
के दायरे में भी श्रमिक आएंगे तो इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इनके भविष्य निधि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा इनका विकास होगा, तो राष्ट्र बहुत आगे अग्रसर प्रगति की दिशा में जाने लगेगा ताकि इनका चहुमुखी विकास हो सके। मामले में त्वरित निपटान हेतु लेबर ट्रिब्यूनल द्वारा वाइब्रेट मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय के समान है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। अगला आता है सबको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, यानी कि मजदूरी सभी को मिलेगी जिस आधार पर दिया जाएगी कानूनी माध्यम से, वो सभी को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है। चार श्रम कानून को अब न्यूनतम मजदूरी कोड में जोड़ दिया गया है। इससे पहले पहली बार सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल गया है। अगर इनमें देखा जाए जो चार श्रमिक को जो कानून है उनको चार भाग में वेब डिवाइस कर दिया गया है। मजदूरी कोड वेज कोड 2019 से श्रमिकों को इनका लाभ मिलेगा। इनमें कहा गया है कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देने का काम हो रहा है। इनको वेतन भी मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका तीनों प्रकार से काम हो रहा है और इनको मजदूरी दर की भी लगभग 50 करोड़ श्रमिकों को गारंटी मिलने वाली है। हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा इनकी की जाएगी कि इनका कितना काम हुआ, कितना इनका विकास हुआ। सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी दी गई है। इन वेज कानून के माध्यम से जब इनमें संशोधन नए संशोधित कानून के द्वारा सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी और पुरुष महिला मजदूरों को समान वेतन दिया जाएगा और ना इनमें किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अगला, देश में पहली बार लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ये अधिकार भी दिए गए हैं। ये कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, इनको भी इस प्रकार के अधिकार दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए न्यूनतम फ्लोर वेज का प्रावधान किया गया है, यानी कि कई प्रकार के क्षेत्र विशेष में अलग अलग मजदूरी दी जाती है उनको भी खत्म करके इनमें एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को आसान बनाया गया है, इसे कौशल और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। कौशल यानी किस क्षेत्र में किस प्रकार की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से कौशल की भी आवश्यकता है, उसी माध्यम से इन क्षेत्र में श्रम कानून को एप्लीकेबल किया गया है। मजदूरी समुदाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा 28/8/2017 से 18,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपये किए गए, यानी जब इसमें लगभग मजदूरी मिलने का प्रावधान था 18,000, उसको अब 24,000 कर दिया गया है। आगे देखते हैं, इंस्पेक्टर राज खत्म करने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम पेसिफिलिटर बनाया जाएगा, यानी इन प्रकार के जब ये मशीनें कौशल जब बच्चे हमारे देश के तरक्की करेंगे इनके माध्यम से तो देश का इसी प्रकार से नाम आगे बढ़ने लगेगा। रैंडम वेब आधारित जांच व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। सबको सामाजिक सुरक्षा, सभी श्रमिकों को सुरक्षा दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 9 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा कोड में जोड़ दिया गया है। अब सामाजिक सुरक्षा कोड में जोड़ दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक सुरक्षा देना भी जरूरी है, अन्यथा सामाजिक
मामले में कई प्रकार से श्रमिकों का शोषण होता रहता है। श्रमिकों के लिए बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ आदि का अधिकार सुरक्षित हो सके, इस कोड के जरिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि श्रमिकों को पूरी तरह से मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इनमें चरणवार तरीके से नियोक्ता और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान का तंत्र विकसित होगा, क्योंकि जरूरी करना पड़ेगा। समाज में जब श्रमिक रहता है तो उनको कई प्रकार की प्रताड़ना ना हो या उनका सामाजिक मामले से शोषण ना हो, इस प्रकार से उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मंत्र तंत्र विकसित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 ये भी बिल एक पेश किया गया है। छोटे से अंशदान में ASIC के हॉस्पिटल और दवाखाने से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इन्हें इनका हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाएगा, मुफ्त इलाज की सुविधा इनको दी गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों अब मजदूरों के साथ सभी क्षेत्रों में मजदूरी के लिए ISI के दरवाजे खुलेंगे। ये इसी प्रकार का है कि हॉस्पिटल में इनको लगभग सभी प्रकार के स्तर की जो भी दवा प्रोवाइड की जाएगी वहाँ फ्री में उपलब्ध किया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा। ये सुविधा 566 जिलों से बढ़कर देश के 740 जिलों में पहुँच गई है और इसमें इस प्रकार की भी सुविधा की गई कि जोखिम भरे काम में एक भी मजदूर हो तो उनको SIC का लाभ मिलेगा। अगर वो जोखिम भरे काम में लग रहा है तो नए तकनीकी से जुड़े प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स को SIC से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। बागान मजदूरों को SIC का लाभ मिलेगा। जो मजदूर बागान में काम करते थे उनको भी SIC में के अनुसार लाभ दिया जाएगा ताकि उनका भी विकास हो जाए। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संतान को अनिवार्य रूप से SIC से जोड़ना होगा। SIC ने अस्पताल से हर श्रमिक संगठन श्रम नियोक्ता को जोड़ा जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सामाजिक सुरक्षा के लिए विस्तार। अब हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार के विस्तार स्वरोजगार जैसी व्यवस्था इन्होंने शुरू की और पेंशन योजना के लाभ भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। असंगठित क्षेत्र के व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक निधि, इस प्रकार की भी इन्होंने कई सारी योजना बना रखी। इन योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित टाइम टर्म फिक्स के अनुसार काम कर रहे कर्मचारी, इन कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के समान सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि इनसे क्या होएगा, इनसे ये होएगा कि ये पैसे कमाते हैं 500 रुपये और इनके पास में अगर 150 रुपये और आ जाते हैं तो 650 रुपये का इनको फ़ायदा हो जाता है, 150 रुपये का और फ़ायदा हो जाता है जब ये इन इस प्रकार की योजना का फ़ायदा लेते रहेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस बनाने के लिए पोर्टल से पंजीकरण कराना होगा। यानी कि सरकार इस प्रकार के एक पोर्टल का निर्माण भी करेगी, उन पोर्टल के माध्यम से इनको पंजीकरण भी कराना होगा। रोजगार के लिए 20 से अधिक श्रमिक वाले संस्थानों को रिक्तियां की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी आवश्यक है। यानी कि जो आदमी 20 से अधिक श्रमिक वाले जो एक संस्थान बन रहा उस संस्थान में रोजगार दे रहा उनकी रिपोर्ट भी सरकार को पेश करनी होगी। SIIC PFO और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या
UNA यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, उन अकाउंट नंबर में उनकी सैलरी दी जाएगी या चेक के माध्यम से दी जाएगी। आधार रहित स्मेल्स सुहागता सुनिश्चित करने के लिए आधार से जुड़ा सार्वभौमिक खाता UNA एक सहारे के रूप में काम करेगा, यानी कि जब तक वहाँ काम करेगा उनके खाते में इस प्रकार की सैलरी डाली जाएगी, ना कि उनको हाथ उधारा पैसे दिया जाएगा। श्रमिकों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का हक, क्योंकि कई सारे क्षेत्र में काम करते रहते थे, उन श्रमिकों को सही से उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था न हो पाने के कारण वह या तो अपने श्रमिक संगठन या फिर जिस के भी अंडर वहाँ काम करते थे उद्योगपति, उनसे उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इस माध्यम से उनको सुरक्षा देने की भी ज़रूरत इस कानून के माध्यम से की गई। कार्यस्थल पर श्रमिकों को बेहतर सुरक्षित माहौल के साथ साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 13 श्रम कानूनों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति OHS कोड में जोड़ दिया गया है। इनमें फैक्ट्रियां, खनन, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, मोटर्स, ट्रांसपोर्ट, बीड़ी, सिगार, संविदा श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो भी इस प्रकार के प्लांटेशन, मोटर, ट्रांसपोर्ट, बीड़ी, सिगार इस प्रकार के उद्योगों धंधों में काम करते हैं, उनको पूरी पूरी सुविधा प्राप्त की जाएगी, क्योंकि इनके संस्थापक को इन कानूनों के माध्यम से बांध दिया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य परिस्थिति 2020, इसमें क्या होगा? अंतर्राज्यीय प्रवासी, यानी कि दूसरे राज्य में रह रहे, उनको भी इसके अनुसार उनके जीवन यापन सुगम बनाए जाएंगे। अंतर्राज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 की कमियां को OH कोड के द्वारा व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिक को ही अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक माना जाता है, लेकिन नए प्रावधानों के तहत प्रवासी श्रमिकों को ये सुविधा दी जाएगी कि वह आत्मनिर्भर हो और स्वतः ही अपने आप को नेशनल पोर्टल पर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। इस प्रकार के उनको एक अंतर्राज्यीय श्रमिक संगठन का जब पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, तभी उनको अंतर्राज्यीय श्रमिक संगठन श्रमिक माना जाएगा और फिर उसी के अनुसार काम किया जाएगा, उसके अनुसार इनको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर को प्रत्येक वर्ष अपने मूल निवास स्थान पर जाने एवं आने के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान दिया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार के श्रमिक अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनको यहाँ से जब वो जाएगा उनका यात्रा भत्ता दिया जाएगा, ताकि उनकी सैलरी में से उनको पैसे ना देना पड़े, क्योंकि वो वैसे ही श्रमिक है। इसलिए मजदूर को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। जब श्रमिक काम छोड़ेगा या फिर काम से उनको बाहर निकाला जाएगा, तो मजदूर को इस प्रकार का नियुक्ति पत्र भी देना जरूरी होगा, क्योंकि बिना नियुक्ति पत्र से या फिर वहाँ उद्योगपति इस प्रकार की अपनी मनमानी और बर्बरता नहीं कर सकता है। श्रमिक का नियोक्ता द्वारा साल में एक बार मुफ्त चेकअप कराना अनिवार्य होगा, यानी फ्री में चेकअप किया जाएगा मजदूर का, ये भी प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जो किसी भवन निर्माण कार्य में मजदूरी करता है, उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भवन निर्माण फंड की सुविधा का लाभ मिलेगा।
यानी कि इस कानून के माध्यम से ये भी प्रावधान अच्छा किया गया है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो उनको भवन निर्माण की जब इस प्रकार के फंड चल रहे तो उसका भी लाभ दिया जाएगा। एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम, इन स्कीम के माध्यम से वन नेशन वन कार्ड के तहत अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जिस राज्य में काम करेगा वहाँ राशन की सुविधा प्राप्त कर सकेगा, अथवा श्रमिक के अन्य परिवारों के सदस्य अपने निवास स्थान वाले राज्य में भी वन राशन की सुविधा ले सकेंगे। यानी कि जब कोरोना काल चल रहा था उस कोरोना काल में कई सारे श्रमिक अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते थे तो वहाँ कोरोना काल की वजह से ट्रेन बसें इस प्रकार के साधन बंद हो चुके थे, तो फिर वहाँ कैसे अपने निवास स्थान पर आए। तो केंद्र सरकार ने इस परिस्थिति को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों मजदूर के लिए लागू की थी। उनका फायदा वहाँ जा भी रहेगा वहाँ ले सकता है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक की समस्या के निवारण हेतु हर राज्य में हेल्पलाइन की सुविधा अनिवार्य की गई है और अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक मजदूर एक नेशनल डेटाबेस बनेगा, उनके लिए एक नेशनल डेटाबेस बनेगा ताकि वह किसी भी राज्य में जाए उन पर ज़्यादा पूछताछ और किसी प्रकार की दखलअंदाजी शोषण ना किया जाए। अब 240 दिन की बजाय 180 दिन ही काम करने पर हर 20 दिन पर एक छुट्टी इकट्ठी होगी। पहले इनको 240 दिन काम करना पड़ता था परंतु अब 180 दिन ही काम करने पर 20 दिन की इकट्ठी छुट्टी मिल जाएंगी। ये भी इनको एक फायदा हुआ है। महिला सशक्तिकरण कोर्ट के द्वारा अब अगर महिला है तो महिला को इस प्रकार क्या फायदा मिलेगा। महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजनों में काम करने का अधिकार होगा। महिला को भी पूरा अधिकार होगा कि वह अपनी मनचाही नियुक्ता में काम कर सके। महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार एवं ये भी सुनिश्चित किया गया है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधा देने की व्यवस्था करें। यानी वहाँ जो भी फैक्ट्री प्लांट ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के में काम कार्य करेगी तो उन मालिक का ये कर्तव्य होगा कि वहाँ महिलाओं को रात में सुरक्षित सुविधा देने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को वर्ष 2017 में संशोधित कर महिला श्रमिकों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया और सभी संचात या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं क्रेच की सुविधा को देना अनिवार्य बनाया गया। उद्योग विवाद समाप्ति की ओर। उद्योग में पहले कई प्रकार के विवाद होते थे वो अब समाप्ति की ओर जाने लगे। देखते हम किस प्रकार से जाने लगे। तीन श्रम कानूनों को औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में विलीन करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेड यूनियन के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। इसमें औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के लिए ऐसे हर संभव उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में कहीं भी विवाद की स्थिति ना बने रहे, क्योंकि इनमें खींचातानी आपस में चलती रहती थी। इन खींचातानी की वजह से श्रमिक और उद्योगपति जो मुख्य अधिकारी जो इनको लगाता था उनके बीच में खींचातानी चलती थी। इन कानूनों के माध्यम से वह खींचातानी भी कम हो चुकी क्योंकि कानून के माध्यम से उन पर कंट्रोल कर दिया गया है तो ऑटोमेटिक वह भी शांत हो गए।
औद्योगिक संबंध आईआर कोड 2020, इनको भी देखेंगे हम, इनमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मजदूरी कि नौकरी छूटने पर उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत लाभ मिलेगा। अगर औद्योगिक संबंध के माध्यम से इनका नौकरी छूट जाएगी तो उनको अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत जो रोजगार खोने वाले जो संगठित श्रमिक कर्मचारी है उनको सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारी को मिलता है जो ईएसआई स्कीम के तहत कवर है। एक ईएसआई स्कीम होती है, उस स्कीम के माध्यम से अगर वो एप्लीकेबल है पूर्व में तभी उनको इस प्रकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। नौकरी छूटने पर श्रमिकों को रिस्किलिंग कौशल प्राप्ति के लिए 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी जो श्रमिकों के खाते में सीधे दी जाएगी। यानी कि जब उस प्रकार की अगर उनकी नौकरी छूट जाएगी तो 15 दिन की उनको तनख्वाह मिलेगी और वो श्रमिकों के खाते में सीधी चली जाएगी। उन 15 दिनों की नौकरी या तनख्वाह की वजह से वहाँ अपने नए कौशल को देख सकेंगे। मजदूरों को ट्रिब्यूनल से जल्द न्याय मिलने की सुविधा दी गई है। ट्रिब्यूनल में मजदूरों के केसों का न्याय 1 साल में होगा। एक ट्रिब्यूनल एक प्रकार का न्यायालय जैसा संस्थान होता है, उसमें हर एक मजदूरों की सुनवाई चलती है तो उसी में इन मजदूरों को न्याय मिलने की सुविधा की व्यवस्था की गई। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे, इसमें प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वो 2 सदस्य इसमें हर एक चीज़ को देखने का कार्य करेंगे। औद्योगिक प्रशिष्ट में 51% और पाने वाले यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया जाएगा जो किसी नियोक्ता से समझौता कर पाएंगी। ने कई प्रकार के बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनमें 51% वोट हिसाब से इनको दर्जा दिया जाएगा कि वह नियोक्ता से समझौता कर पाए। जिन औद्योगिक प्रतिष्ठित में 51% वोट प्राप्त नहीं होते हैं वह नियोक्ता से समझौता के लिए ट्रेड यूनियन की नेगोशिएटिंग परिषद काउंसलिंग बनाई जाएगी, वो उस हिसाब से उनके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का कल्याण, अब हम इनमें देखते हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का कल्याण किस प्रकार से हो। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के हितों के बारे में सरकार काफ़ी समय से उनके हितों को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। उसी दिशा में अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर के लिए कानून को सुदृढ़ करने की पहल की गई है। प्रवासी मजदूर और गरीबों के लिए गरीब कल्याण मुफ्त अनाज घरों तक पहुंचाने जैसी कई योजना को केंद्र सरकार ने बेहद तेज गति से आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ाया है। इन्हें इस माध्यम से अनेक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इस मामले में चिंतित रहती है कि इनको अंतर्राज्य के अंदर ही रोजगार दिया जाए सके ताकि उनको दूसरे किसी अन्य स्थान पर जाने की ज़रूरत ना रहे। इनमें खाद्य आपूर्ति से जुड़े गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज योजना, इस प्रकार की बेहद योजना की तरफ से उनका तीव्र विकास के माध्यम में बाधा ना आए, इस प्रकार की सरकार भी इस प्रकार की योजना चलाती रहती है। संहिताकरण के लाभ,
एक पंजीकरण, एक लाइसेंस, एक विवरणी, न्यूनतम फॉर्म। यानी पहले कई प्रकार के फॉर्म बनाते थे जो कई सारे कानून का एक ही कानून में समावेश किया गया, तो इस माध्यम से हमको ये फ़ायदा मिलेगा, एक समान परिभाषा मिलेगी, समितियों में कमी होगी, पहले कई प्रकार की समितियाँ हुआ करती थी अब एक ही प्रकार की समितियाँ होगी, वेब आधारित औचक निरीक्षण होगा, यानी पूरा निरीक्षण जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा, वेब के माध्यम से होगा, प्रौद्योगिकी का विकास हो उपयोग होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और लाइसेंसिंग की सुविधा होगी, लाइसेंसिंग के माध्यम से ही हमको इसमें पंजीकरण किया जाएगा, अनुपालन लागत और विवाद की कमी। इसमें पहले कई प्रकार के अनुपालन लागतों की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब ऐसा नहीं होगा, श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संहिता, मजदूर बना सुरक्षा का विश्वास, खुल गए प्रगति के द्वार, नारी को सम्मान और समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिला उनका अधिकार, इस प्रकार की इसमें कई सारी बातें हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संहिता, सरल हो गई प्रक्रिया, सफल हुए काम, अब स्थाई और प्लेटफॉर्म, श्रमिकों के हितों, सामाजिक सुरक्षा योजना से है सुरक्षित, असंगठित कामगार पाए गए अधिकार, मेहनत का समान अधिकार, एक समान हर श्रम स्वाभिमान हो, इनमें है उपलब्धियां, सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा, इसमें इस प्रकार के लाभ की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा की देखभाल, बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी लाभ, विकलांगता और उत्तरजीवी, अंतिम संस्कार, इस प्रकार के कई सारे लाभ इनमें श्रमिकों को मिल जाएगा। योजना का विस्तार, वर्तमान में 566 जिलों में लागू थी पहले, अब 10 से अधिक श्रमिकों के लिए अनिवार्य, 3.5 करोड़ कर्मचारी, 13.50 करोड़ कर्मचारी इनके सदस्य हैं, इनका सार्वभौमिक इस प्रकार से किया गया है कि संपूर्ण भारत में संहिता का 740 जिलों में विस्तार किया गया है, 10 से कम श्रमिकों और नियोक्ता से श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक कवर मिलेगा, इस प्रकार के इनमें कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण भी यही बोलता है जो कि हमने ऊपर पढ़ी लिया, इन मामलों में ये है हमारे सामाजिक श्रमिक संगठन भाइयों, गाड़ी तक हिलने वाले इस प्रकार से, ये ऑनलाइन काम, दवाई गोली बनाने वाले बहने भाई है, ये इसी प्रकार से कुछ मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ में साथियों अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी के साथ में मैं नए नए वीडियो इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। जय हिंद साथियों।